दोस्तों, हमें अपनी तुलना किसी दूसरे इंसानों से नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अंधा हो या बहरा हो या गूंगा, मोटा हो या पतला, इंसान इंसान ही होता है। एक गरीब आदमी कभी अपने से गरीब नहीं होना चाहता और एक मोटा आदमी अपने से मोटा नहीं होना चाहता और एक अंधा व्यक्ति अपने से अंधा नहीं होना चाहता, ना लंगड़ा होना चाहता, ना बहरा। वो सब अपने कर्मों से जो भगवान उसको सजा देता है उसके अनुसार फल पाता है। इस तरह कहानी हम आपको सुनाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है कि अपनी तुलना दूसरे से ना करें। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश हो गए। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग खाता, सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो रंग पाकर बड़े खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँ, इसलिए अब मोर ही से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुँच गया, तो मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं। उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गए क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।